कांग्रेस पार्टी आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी सीएम चेन्नई सीएम चेन्नई सीएम चेन्नई कांग्रेस पार्टी भारत माता की भारत माता की भारत माता की नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिंदाबाद आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी सोनिया गांधी सीएम चेन्नई सीएम चेन्नई सीएम चेन्नई राहुल गांधी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी भारत माता की जय भारत माता की जय वो जो कल जिस तरह से कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सिक्योरिटी के अंदर ब्रीच किया गया सिक्योरिटी को घेरा तोड़ा गया उसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया क्योंकि इस समय पंजाब सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हमारी एक ही डिमांड है कि फौरी तौर पर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए क्योंकि जिस तरह से कल प्रधानमंत्री गए थे वो सरकारी कामों का उन्होंने उद्घाटन कर रहा था उसमें चीफ मिनिस्टर डीजीपी और जो चीफ सेक्रेटरी उनको रहना था उनकी गाड़ियाँ ही लेकर उसके बीच में वो नहीं थे और जो रूट लास्ट मौके पर बदला गया और वो सिर्फ पुलिस को पता था और प्रोटेस्टर को कैसे पता चला आज प्रोटेस्टर बता रहे हैं कि पुलिस वाले उनके साथ चाय पी रहे थे उन्होंने उनको बताया कि वो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिलैप्स है और बॉर्डर के ऊपर जहाँ से बॉर्डर सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है और जो प्रोटेस्टर थे वो स्टोन बिल्डिंग के दायरे के नज़दीक थे। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी जो साजिश रची गई जो कल टल गई मैं समझता हूँ कि उस भगवान का शुक्र करते हैं अगर वो सिक्योरिटी वाले आ जाते तो एनएससी वाले क्या करते। इसलिए आज हमने प्रोटेस्ट किया और हमने डिमांड किया कि फौरी तौर पर इसको बर्खास्त किया जाए और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा नहीं सभी लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए। और सबसे जो बड़ी बात है पंजाब के अंदर चुनाव आने वाले हैं इस सरकार के अंदर ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते इसलिए फौरी तौर पर इसको बर्खास्त किया जाए। जनता युवा मोर्चा की तरफ से है पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे भारतवर्ष में जो है आज प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं जैसे हमारे 130 करोड़ भारतीयों की जो है प्यारे प्रधानमंत्री जी को जो है कल पंजाब के अंदर जो है रोका गया उनके ऊपर जो है हमला करने की कोशिश की गई। आपने देखा होगा कि 3 लाख से ज़्यादा जो है हमारे कार्यकर्ताओं को रोका गया उनको मारा गया। कांग्रेस की ये साजिश थी कांग्रेस को ये चीज़ पता थी कि आने वाले समय में उनकी गवर्नमेंट जो है पंजाब में नहीं बनने वाली। लेकिन मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी ने ये साजिश की और जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला जो है 20 मिनट तक रुका रहा आप जानते हैं कि उस जगह से 10 किलोमीटर दूरी पर जो है पाकिस्तान है। सोची समझी एक साजिश थी हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर अटैक करने की। मैं कहूँगा कि जल्द ही सरकार से अपने गृह मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि पंजाब के डीजीपी को जो है जल्द से जल्द उसको सस्पेंड किया जाए और जो है इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए और हमारे जो है पंजाब गवर्नमेंट जो है इसको भी जो है बर्खास्त किया जाए। इसीलिए जो है आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का यहाँ प्रोटेस्ट था।